अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जायका इंडिया। आज हम बनाएंगे सिंपल, इजी एंड क्विक चिकन पुलाव। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और 500 ग्राम ही हमने बासमती चावल लिए हैं, इन्हें भी हमने अच्छे से वॉश करने के बाद 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है, और 100 ग्राम हमने दही लिया है। दो बड़ी प्याज हैं स्लाइसेस में कटी हुई, दो चुटकी फूड कलर है, और एक बड़े साइज का टमाटर है कटा हुआ, और ये कुछ पाउडर मसाले हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1/2 चम्मच जीरा, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग और 1/2 चम्मच काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून ये केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे। ये 10-12 लहसुन की जगह हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, इन सबको पीस कर हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में हम 100 ग्राम तेल गरम करके ये कटी हुई प्याज फ्राई कर लेंगे। ब्राउन कलर की होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए ये प्याज ब्राउन कलर की हो चुकी है, आधी प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और आधी प्याज में साबुत गरम मसाले ऐड कर लेंगे और फ्राई करेंगे। और अब ये लहसुन अदरक हरी मिर्च और हरे धनिया का जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल निकलने तक इसे फ्राई करेंगे। और अब ये कटा हुआ टमाटर और चिकन को ऐड कर देंगे। और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई करके हमने चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है। और अब ये पाउडर मसाले ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और कम से कम 5 मिनट तक इन मसालों के साथ चिकन को फ्राई करेंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए चिकन को थोड़ी देर मसालों के साथ भून लिया है, तेल सेपरेट होने लगा है। अब चिकन में दही को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने चिकन को 50% तक कुक कर लेना है मसालों के साथ ही, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल नहीं किया है और ना ही कोई यखनी तैयार की थी, इसलिए अब इसको हम कवर करके दही का पानी खुश्क होने तक कम से कम 5 मिनट तक और पका लेंगे। ये देखिए चिकन को थोड़ी देर तक ढककर पका लिया है। चिकन जो है वो 50% तक हमारा कुक हो चुका है, बाकी जो है चावल के साथ कुक हो जाएगा। अब चिकन में हम चावल के लिए पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास हमारे चावल है तो हम उसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और अब पानी में बॉयल आने का इंतजार करेंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चावल का नमक ऐड कर देंगे। चिकन में हम नमक ऐड कर चुके हैं पहले, अब इसमें ये भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पानी में बॉयल आने तक कुकर को कवर कर देंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है, अब हम चावलों को हाई हीट पर इसी तरह पकने देंगे। कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे चावलों का पानी रिड्यूस होने में। ये देखिए काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा पानी और बचा है, इसके लिए हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक और ढककर पकने देंगे। ये देखिए सभी पानी ड्राई हो चुका है, 10 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। अब ये फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे
और ये दो चुटकी फूड कलर है। इसमें दो टेबलस्पून पानी और हाफ टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड किया है, इसे कलर के लिए शामिल कर देंगे। और अब हम चावल को पुलाव को 5 मिनट के लिए दम करेंगे। कुकर को बंद करके थोड़ा सा प्रेशर आने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रेडी हो चुका है सिंपल इजी एंड क्विक पुलाव। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही सिंपल मेथड से बना हुआ पुलाव। आप इसे चटनी और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।